ओ जी मेरा बड़ा करारा पूतना, ओ जी पूतने के साथ मुझे याद आ रहा, पूतना होता तो करारा है और मजेदार है, क्योंकि पंजाब में जब इसकी चटनी बनती ना, आहा, पूरे गांव में पता चल जाता उसके घर में चटनी बन रही है, इतना मजेदार है ना, और स्वादिष्ट तो है ही है। तो पुदीना गोश्त बना रहा हूँ, पुदीना गोश्त बनाने का ये जो मेरा स्टाइल है थोड़ा सा हटके है, ये आप देखेंगे कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है ना। चलो जी, ओ जी इसमें डाल लेते हैं तेल, 2 से 3 बड़े चम्मच तेल, और इसके साथ साथ ये जो जीरा है 1 छोटा चम्मच जीरा, ये ले। मुझे चाहिए हरी मिर्चें, इनको 1 के 2 टुकड़े कर लिए, ये तैयार। अदरक इसके बारीक स्लाइसेस, 2 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के वो स्लाइस कर लिए। अब इसमें ये बाकी चीजें, ये डाल दिया अदरक के साथ साथ, लहसुन जो छीला हुआ उसको मैंने कुछ नहीं किया, सीधे ऐसे डाल दिया है, ये भी लहसुन अंदर, साथ ही साथ हरी मिर्चें वो भी सीधे अंदर, ये लीजिए। अब हल्का सा भून लेना है इसे। अब ये बिल्कुल तैयार, इसको मैं हटा के, मतलब लेडल को हटा के, बाकी चीजें क्या है मेरे पास है, कुछ काजू, तो ये 10 से 15 काजू वो इसमें डाल लिए, ठीक है। उसको भी हल्का सा ब्राउन करना है, ये लीजिए। अब मैं ये गैस बंद कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो हीट है वो काफ़ी है बाकी चीज़ों के लिए। ये ढेर सारा पुदीना, उसके साथ साथ मैं कुछ धनिया भी ले लूँगा, वो इसलिए कि जो हरापन है वो धनिए से आएगा, पुदीने से फ्लेवर आएगा, लेकिन जो हरा है उसमें हरापन जो है वो धनिए से आएगा। ये लीजिए धनिया और पुदीना, गैस मैंने बंद कर दिया है, ये पुदीना के पत्ते ये, और उसके साथ साथ धनिया वो भी डाल दिया, और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी वो इसमें डाल दी। अब आहा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, ये देखिए, ये अब ये मिक्सी में निकाल लेता हूं, अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, उसके बाद पीसेंगे, लेकिन मटन का तो कुछ किया ही नहीं अभी, तो वो भी कर लेते हैं। अब इसी हांडी में एक काम करेंगे, इसे शुरू कर लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं तेल, ये लीजिए जी तेल डाल दिया, साथ ही साथ कुछ खड़े गरम मसाले, बड़ी इलायची, ये लीजिए 4 से 5 बड़ी इलायची वो डाल दी, 4 से 5 छोटी इलायची वो भी डाल दी, लौंग, ये 4 से 5 लौंग डाल दिए, दालचीनी, ये दालचीनी ऐसे ही डाल दी, ठीक है। अब ये जब तक मसाले भूनते हैं, ये जो 2 प्याज रखे थे इनको स्लाइस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। यहां मसाले बढ़िया गरम, अब ये जो स्लाइस प्याज है ये इसके अंदर थोड़ा सा मिला लेते हैं, आहा क्या बात है। प्याज जब हल्के से भून जाए, इस तरह से बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हल्के से भूनना है, इसमें ये जो मटन है वो डाल लेते हैं, ये मटन ये डाल दिया, अब मटन और प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। इसमें एनर्जी डाल लेता हूं मैं अभी, ये लीजिए ये एनर्जी, नमक शमक
डाल देते हैं नमक शमक, ये लीजिए डाल गया नमक शमक, क्या बात है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और ये लीजिए पानी डालने के बाद इसे ऐसे ही इसके हालत पे छोड़ देते हैं और आराम से पकने देते हैं। जब तक ये पकता है ये मिक्सचर को मैं पीस लेता हूँ, ठीक है जी। ये लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लेता हूँ मैं। पानी इसलिए पीसने में आसानी, ठीक है जी। ये मैं इसे निकाल के यहां रख लेता हूं। ये देखिए क्या बात, ये बिल्कुल पिस गया है और जैसा मुझे चाहिए वैसा ही है। इसका ये अभी काम नहीं है, पहले मटन अच्छी तरह से पक जाए, बीच बीच में हिलाते रहें इस तरह से। ये देखिए बढ़िया पक गया है। अब बाकी काम करना है हमें। बाकी काम क्या है, ये दही ये इसमें डाल लिया, आधा कप दही वो इसमें डाल लिया और दही डालने के बाद थोड़ी देर पकाएंगे। ये लीजिए अब ये जो मसाला पीसा था मैंने ये मिक्सी में से ही यहाँ इसके अंदर, आहा, पुदीने का कितना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है इसमें पूछिए मत। अब ये मटन बिल्कुल तैयार, ग्रेवी भी तैयार। अब यहाँ बंद कर लेते हैं, सर्व करने के लिए तैयार। सर्व करें अपनी मनपसंद चीज के साथ, लेकिन पहले मैं इसे इस बोल में निकाल लेता हूँ। आहा हा कितना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है पूछिए मत। ये देखिए मटन का क्या बात, क्या बात है। अब इसमें थोड़े से ताजा पुदीना और ये लीजिए थोड़ा ताजा पुदीना। आहा हा इसकी खुशबू कितनी बढ़िया, मुझे तो लगता है कि मैं खा लूं। लेकिन दोस्त जब भी बने तब दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप जब भी बनाएं गोश्त याद करें अपने दोस्तों को। और गोश्त बनाते वक्त पुदीना डल जाए, जैसे ये मैंने बनाया पुदीना गोश्त, आहा दोस्त अपने आप भागे चले आते हैं। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, आप क्यों पीछे रह रहे हैं जी, आप भी पुदीना गोश्त के इंग्रेडिएंट्स नोट करें, देखें इसका रिकैप। आहा मैं इसकी खुशबू लेके खुश हो जाता हूँ। पुदीना गोश्त सामग्री 800 ग्राम मटन हड्डी के साथ छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 4 से 6 बड़े चम्मच तेल, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 हरी इलायची, 4 से 5 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 प्याज बारीक स्लाइस किए हुए, 2 1 इंच अदरक के टुकड़े बारीक स्लाइस किए हुए, 10 से 12 लहसुन की कलियां, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 गुच्छा पुदीना अधिक सजाने के लिए, 1 छोटा चम्मच जीरा, 5 से 6 हरी मिर्च 2 टुकड़ों में कटी हुई, 10 से 15 काजू, 1 कप हरा धनिया कटा हुआ, आधा कप दही। इसे बनाने के लिए एक हांडी में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर लीजिए। अब इसमें जीरा डालकर भून लीजिए, अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालकर भून लीजिए, काजू डालकर हल्का भूरा होने तक भून लीजिए, आंच बंद कर लीजिए, पुदीने के पत्ते, कटा हरा धनिया और हल्दी पाउडर डालकर मिला लीजिए। इस मिश्रण को एक मिक्सर जार में निकाल लीजिए। अब हांडी में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालकर इसमें बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग और दालचीनी डालकर भून लीजिए, प्याज को बारीक स्लाइस कर लीजिए और हांडी में डालकर भून लीजिए। अब मटन डालकर मिला लीजिए, नमक डालकर मिला लीजिए, 1 कप पानी डालकर 4 से 5 मिनट तक पका लीजिए। मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालकर पीस कर पेस्ट बना लीजिए। मटन में दही डालकर मिला लीजिए, पिसा हुआ पेस्ट डालकर 35 से 40 मिनट तक मटन नरम हो जाने तक पकने दीजिए। पुदीने के पत्ते के साथ सजाइए और सर्व कीजिए।